तो लोंडो कैसे हो। सबसे पहले तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोग हेडफोन जरूर लगा लेना, तो बिना किसी देरी के वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेम एक्सप्लोर और स्काउट के बारे में। अगर तुम लोगों को इन दोनों का मैटर नहीं पता है तो मैं तुम लोगों को एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें स्काउट के गेम प्ले में बी लैक लेजिट मतलब कि गेम एक्सप्लोर आ जाता है। अब ये नहीं पता वो जेन्युइन गेम एक्सप्लोर था या फिर कौन था, मगर मैं तुम लोगों को क्लिप दिखाता हूँ आखिरकार मैटर क्या है। भाई लेजिट इन गेम तो लेजिट कौन है भाई? हेलो, हु इज लेजिट? लेजिट क्या है भाई वो? हेलो स्मोकी, लेजिट कौन है अब? लेजिट इन गेम चल रहा है, लेजिट कौन है भाई अब? बी लैक लेजिट भाई, ये कौन है भाई? बी लैक लेजिट ड्रिंक व्रिंक का नाम है क्या भाई? नेरोलैक 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 वो पेडिग्री वेडिग्री का नाम आता ना वैसा है। वही है ना क्या, वन स्क्वाड 332 स्क्वाड रशियन, वो वाले बंदे ना ये सब बस नहीं। ओके होगा भाई, मेरे को नहीं पता। ऐसा स्प्रे कैसे कर लेते हो? लव यू के मेरे रे होगा भाई, मेरे को नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी यूट्यूबर है। नहीं मेरे को इतना पता है वो सब एक वो ये है ना सब क्या बोलते हैं सोलो स्क्वाड वाले बंदे हैं ना ये सब। लेजिट को नहीं जानता भाई, ट्रस्ट मी। अपन भाई कॉम्पिटेटिव और भाई अपने लौंडे बस, उसके अलावा नहीं जानता भाई मैं। यूट्यूब इतना नहीं देखता नहीं सोलो स्क्वाड, वो जमाना गया अपना कि हाउ टू सोलो स्क्वाड वाला सर्च करना भूल गया। मेरे को भी नहीं पता वीसी लेजिट कौन है भाई। तो ऐसा बोलते हैं कैस्टो हो गया, मॉक हो गया, फिर विड हो गया भाई, बहुत लोग है भाई, कॉफिन हो गया, बीबी हो गया, बीबी कॉम्पिटेटिव आ गया। तो ऐसे ऐसी बात नहीं होता ना भाई। एमआरएक्स देखा मैंने, दिस इज योर बी लैक लेजिट। हाउ ब्रो, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस गाय ब्रो? माय फ्रेंड हु जस्ट स्टार्टेड पबजी प्लेस बेटर देन दिस गाय। अगर ये सही में हो तो आई फील वेरी सैड फॉर हिम, बहुत खराब लगा। तो इसके बाद होता ये है कि कुछ ऑडियंस गेम एक्स प्रो के स्ट्रीम पे जाके बोलने लगती है कि स्काउट ने तुझे ट्रोल किया है, स्काउट ने तुझे बुरा भला कहा है, उसका जवाब दे। तो उसका जवाब देते हुए फिर गेम एक्स प्रो कुछ ये कहता है, स्काउट ने निरोलैक बोला, निरोलैक बोला मेरे को, बी लैक को निरोलैक बोला। सही है यार, हम भी स्काउट को बोलते स्काउट रंडी लोग, अब बोलो उसको उल्टा नाम लिया उसने। अच्छा ऐसा कोई बात नहीं, मैंने भी बोल दिया, ठीक है बस हो गया। लोग गेम पीछे ना चलो, मेरा मतलब नहीं है यार किसी को, समझ रहे ना, अपना काम करते हैं, मस्त रहते हैं। क्या हमारे उस चूतिया को गाइस बताओ, चूतिया है वो नंबर का, खुद की औकात नहीं उसके कुछ। गाड़ी है नीचे हैं, वही तो स्ट्रीम स्नाइपर कहीं गई। चूतिया भाई, मेरे को वो आया, चूतिया हर जगह से गाली खाते हैं पता, हर जगह से गाली खाते हैं मालूम तुमको। अब इसके बाद स्काउट गेम एक्स प्रो को रिप्लाई देता है या नहीं देता ये नहीं पता, मगर मैं इस चीज़ को लेकर अपना एक ओपिनियन रखना चाहता हूँ। सबको पता है कि स्काउट बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देता है और बाद में उसी चीज़ में फंस जाता है और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, और यही चीज़ स्काउट नहीं समझता है। फिर उसके बाद कुछ ऑडियंस गेम एक्स प्रो को भी जाकर भड़का देती है, ऑफकोर्स अगर उसे पता लगेगा कि मेरे बारे में कुछ ऐसा बोल रहा है तो ऑफकोर्स वो रिप्लाई देगा ही। अब देखते हैं ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाती है या फिर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर कंट्रोवर्सी हुई तो कोई मजे नहीं लेगा, बीच में जो कुछ ऑडियंस है वही मजे लेके चली जाएंगी। चपा चप ऐसा करके। तो अब बात करते हैं स्काउट और अमन के बारे में। दरअसल होता ये है कि स्क्रिम्स खेले जा रहे होते हैं जिसमें जो स्काउट होता है वो मिलिट्री बेस का जो ब्रिज होता है वो कैम कर लेता है, फिर वहीं से सोल टीम भी आती है। तो जो सोल टीम होती है उनको पता लग जाता है कि ब्रिज जो है वो कैंप हो रखा है। उसके बाद अमन बोलता है कि पानी में सब मर जाना मगर इनको किल नहीं देना। तो जो कुछ ऑडियंस होती है वो स्काउट के स्ट्रीम पे जाके बोलती है कि अमन तुझे स्ट्रीम स्नाइपर बोल रहा था। तो पहले तुम लोग अमन की क्लिप देखो आखिरकार हुआ क्या था। वो देख गाड़ी, माँ कसम यार क्या कर रहे लौंडे। लेफ्ट और लेफ्ट साले
मैं तो कहता हूँ घुमा के वापस फेरी पेर चलो, अब ये नहीं जाने देंगे। अबे हट बे, उतर पानी से। बोर्ड रिबोर्ड रिमोर्स घुसो, क्या घुसो, अब तो गया मैं। एक एक भी किल नहीं देना इनको, उनकी माँ की चूत जो भी है। हाँ तो फिर अंदर जाओ, पानी के अंदर मर जाना, लेकिन एक भी किल मत देना इनको, एक भी किल नहीं देना है। कुछ भी हो जाए मैं पहले ही बता रहा हूँ, मर जाना, लेकिन एक भी किल मत देना, मर जाना, एक भी किल नहीं देना इनको, पोजीशन में नहीं देने देंगे जोन में। चलेगा, मर जा, किल नहीं देना इनको एक भी। अबे मत जाना ऊपर, जा रहे वो लोग, चले गए। अमन नहीं बच सकता वैसे भी, चले गए। हाँ चले गए, जाओ क्या, जाओ जाओ कहाँ जाओ, लेकिन अबे इधर आने का मेरे को तो समझ ही नहीं आया भाई। इसके बाद स्काउट भी इस चीज को लेकर रिएक्ट करता है, वो क्लिप देखो तुम लोग। स्काउट को बोल कि अमन बोल रहा था स्ट्रीम पर कि स्ट्रीम स्नाइप कर रहे थे, इनको एक भी किल तो नहीं देना, मतलब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, ये वाला भाई ऐसे दिन नहीं आ गया मेरे कि अमन को, कि अमन को स्ट्रीम स्नाइप करना पड़े मेरे को, ठीक है। मर गए मतलब स्ट्रीम स्नाइप, नाइस। तो मैं तो हर रोज रो गया मैं, वो भाई मेरे को मारे स्ट्रीम स्नाइप, बट क्या हुआ क्या भाई, कुछ भी भाई। अबे हम लोग ब्रिचम लगा रहे थे, अब मेरे को अब भगवान का सपना आया कि भाई सोल आई है तो मैं जो स्ट्रीम स्नैप, ये मत करो मैं तो क्या बोलता हूं, ब्रिज का मत करो तो स्ट्रीम स्नैप लोग बोलेंगे। मैं जो ब्रिज कम करता है पहले सारा आगे भी करूंगा, उधर कोई भी टीम आए अभी जोन, मेरे को लूट चाहिए, तो भाई मैं प्रीमोस था कि इतना दूर लूटने से अच्छा, मेरे को पता है भाई इस तरफ का जोन है, नोवो और मिलिट्री की टीम यहीं से रोल करेगी, तो इनको ही मार देता हूं भाई। उसमें बूम बाम लोग, ओ भाई स्ट्रीम स्नैप बहन चोद, बंदा अगर ब्रिज कम करे तो स्ट्रीम स्नैप, शॉटगन लेके जोन में जाके बैठ जाऊं क्या मैं, कते माल फूकते हैं। और मेरे को तो नहीं लगता अमन बोला भी होगा, जनता आधा बना दी है, मेरे को तो लगता भी नहीं अमन बोला होगा, ये सब जनता है ना चुतिया पर फैलाती है। भाई, भाई कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर तो इतना तो है, हाँ वही कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर इतना नहीं बोलता भाई स्ट्रीम स्नाइप, और खासकर जितने भी टीयर 1 में रहेगा मोटर लोग तो जिंदगी में नहीं बोलेंगे भाई, उनको पता है भाई गेम क्या है। कांट पुश एंटिटी एट एनी कॉस्ट, आई बिलीव एंटिटी विल मेंटेन इट हैज सम ऑफ जर्नी भाई, कोई भी टीम नहीं है बैड डेज भी रो कुछ नहीं। ओए फादर यू से यू से, ओए 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 ओए, आई टेक बगी ओए भाई, जनता बहुत हरामी होती है भाई, कुछ भी बना देती है, मेरे को पता नहीं भाई, देख प्रोफेशनल कभी किसको ऐसे तुरंत नहीं बोलेगा भाई, वो भी रोज जो खेलते साथ में। हाँ भाई लवड़ा ये स्ट्रीम से बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, लड़े अपने को ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपन को लड़ा स्ट्रीम से करेंगे भाई, इसमें मार के खराब भी नहीं आया भाई। अमन ने सिर्फ बोला था कि किल्स नहीं देने का, हाँ भाई तो भाई नहीं बोला रहेगा उसने, तुम नहीं बोलता वो नहीं बोलता, नहीं वही बोला ना, किसने बोला होगा उसने पढ़ा होगा, अगर बोला भी होगा तो बहुत बड़ा ऐसा हो जाता है, कोई बंदा चैट पढ़ता है ना तो बंदे बोलते कि भाई इसने बोला, तो कितने मादरचोद हैं लोग, क्या मिलता लड़ाई सब करके। अभी मेरे सुनना मैं क्या बोल रहा, अभी मेरे चैट में आके कोई बोलेगा स्काउट चीप के, मैंने वो पढ़ लिया तो लोग क्या बोलेंगे, घातक ने बोला, घातक ने बोला, ऐसा बोला रे, हां व्हाट इट इज नहीं बोलता रे नहीं, मैं बोल अपनी टीम का अलावा कोई और बोल दे खेलता है, पर ये ऐसे तो अपनी टीम ये कैसे बोल, नहीं बोला नहीं बोला, वो मैं वही बोल रहा हूं लवड़े, नहीं बोल सकती यही बता रहा हूं तेरे मामा, बंदे चैट में डालते हैं और गलती से पढ़ लिया ना भाई, फिर बुम्मा बाकी के बच्चे हां फिर बोले ये इसने
तो ये जो कुछ जनता है जो स्काउट के स्ट्रीम पे जाके बोल रही थी कि अमन तुझे ऐसा बोल रहा है, अमन तुझे स्ट्रीम स्नाइपर बोल रहा है, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं था, जो कुछ भी था क्लैरिफाई हो चुका है। तो ये जो कुछ जनता है, भड़काना बंद करो, लोगाइयों की तरह काम करना बंद करो। तो बस यार लौंडों, मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर तुम में से किसी ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो, और बगल वाली घंटी भी दबा देना, और एक लाइक शेयर कॉमेंट तो तीनों क्रॉस कर ही दोगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, कर लेना फॉलो। और अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।